डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का मैथ है, एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। वन नंबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट सेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। यहाँ पे सेडेड पोर्शन जो सेड किया हुआ है, तो इसको मैंने स्केच से सेड कर दिया है। यहाँ पे उतना डार्क प्रिंट नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इसको सेड कर दिया है। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाना है इस तरह का। ये जो साइन दिया हुआ है, इस साइन को दिखाते हुए, इस साइन को लगाते हुए इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन जो है इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सब में जो है 8 पार्ट, टोटल पार्ट 8 दिया हुआ है, और इसमें जो सेट किया हुआ है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, सब में क्या हो जाएगा, सब में 8 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 8 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल सेटेड पार्ट कितना है, 1, 2, 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3/8 हो गया, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और यहाँ सेटेड पार्ट कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 6/8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल तो 8 है ही, और यहाँ पे 4 पार्ट सेटेड है, और यहाँ पे 8 पार्ट टोटल है, और 1 पार्ट सेटेड है। अब हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर पहले सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे सजाया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम से ज़्यादा। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है, तो नंबरेटर के अनुसार हम इसको बड़ा छोटा समझते हैं। नंबरेटर अगर छोटा है तो ये छोटा होगा, नंबरेटर अगर बड़ा है तो बड़ा होगा, इस तरह से माना जाता है, सिंपल सा हो गया। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सजा देते हैं। असेंडिंग में यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ असेंडिंग, तो ये असेंडिंग हो गया। अब इसको असेंडिंग सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है, 1 सबसे छोटा है, तो इसको हम लिखते हैं 1/8। ठीक है, तो ये छोटा है, तो छोटा इस तरह से रहता है। उसके बाद ये है 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन, इसी तरह का साइन लगते जाएगा इसमें। उसके बाद 4/8 है, 4/8, फिर ये साइन लगाएंगे, और फिर सबसे बड़ा कौन है, 6/8, तो इसको लगा देते हैं 6/8। ठीक है, ये असेंडिंग हो गया। अब इसी को हम डिसेंडिंग करेंगे। अगर हम डिसेंडिंग करते हैं तो डिसेंडिंग, ठीक है, ये डिसेंडिंग हो गया। तो इसमें क्या होगा, इक्वल लगा देते हैं। अब इसमें इसको जस्ट उलट देना है, और ये साइन जो है उसको भी उलट देना है। तो यहाँ पर हम 6/8 पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा है, तो हम साइन को इधर रखेंगे, और फिर 4/8 इस तरह से लिखेंगे, साइन वैसे ही रखेंगे, और 3/8 और 1/8 लास्ट में सबसे छोटा है, तो ये हो गया। तो ये जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद इसको, तो उस इसमें भी सेम ही है। तो इसमें टोटल घर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल घर सब में जो है 9 है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो इसका फ्रैक्शन जो है ये बन जाएगा, ये आपका यहाँ सेटेड पोर्शन जो है 8 है, तो यहाँ पे यहाँ जगह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको 9, सब में 9 आएगा, सब में 9, तो सब में 9, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, सब में 9 कर दिए। तो फर्स्ट में कितना सेटेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सेटेड है, तो 8/9 हो गया, और इसमें 4 सेटेड है, तो यहाँ पे 4/9, और यहाँ कितना सेटेड है, 3, तो 3/9 हो गया, और यहाँ पे सेटेड है 3 और 3, 6, इतना सेटेड है। अब इसको सजाना है असेंडिंग में, दो रो में हमको सजाना होगा, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। तो असेंडिंग को ले लेते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 3 है, क्योंकि हम लोग का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, इसीलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो छोटा है वही छोटा। तो यहाँ पर 3/9 जो है वो सबसे छोटा हो गया, तो यहाँ पर छोटा मतलब इस तरह का। उसके बाद 4/9 हो जाएगा, 4/9, तो ये जो है ये छोटा है। अब इससे बड़ा कौन हो गया, 6/9, और सबसे बड़ा हो गया 8/9। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। ये है, तो सिर्फ उलट देना है, 8/9, और ये बड़ा है, तो इसका साइन भी उलट देना, 6/9, साइन भी ऐसे रहेगा, 4/9,
और ऐसे साइन, और लास्ट में सबसे छोटा कौन है, 3/9। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सी पार्ट है और इसमें क्या कह रहा है, सो ये फ्रैक्शन जो है इसको दिखाने के लिए कह रहा है, ऑन द नंबर लाइन पुट एप्रोप्राइट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवेन। यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है ये, और इसको बड़ा छोटा का साइन इसमें लगाना है, क्या सही होगा उस साइन से इसको दिखाना है। तो सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नंबर लाइन यहाँ पे आपको नंबर लाइन इस तरह से लेना है, जैसे कि यहाँ 0 हम लिए हुए हैं, तो फर्स्ट में जो 0 लिए हुए हैं 1 और फिर ये 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आपका जो है जितना भी रहता, अगर उससे कोई ज़्यादा नंबर रहता है न्यूमरेटर में, इसका मतलब है कि वो 1 से ज़्यादा जाएगा, इसीलिए इसको मैंने 2 तक लिया है। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि न्यूमरेटर जो है, मतलब डिनोमिनेटर जो है, वो जितना रहता है उतना भाग में आपको घर बनाना पड़ता है, उतना डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि 6 है तो मैंने कितना बनाया, यहाँ से एक घर हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 घर बनाना है। 6 डिनोमिनेटर जितना रहता है उतना ही घर बनाना है। तो सब पार्ट में यहाँ से 0 से 1 तक में 6 घर, और यहाँ से यहाँ तक में भी 6 घर, इस तरह से बनाया जाता है। अब इसको कैसे शो करेंगे, इसको इस पार्ट को गिनेंगे, जैसे 2 दिखाना है तो 1, 2 इतना हो गया 2/6। तो यहाँ पे ये जो है ये 2/6 है, 2/6 ये हो गया। अब यहाँ पे 4/6, तो 3 यहाँ हो गया, यहाँ ये 4 हो गया, 3, 4, 4/6 ये हो गया। उसके बाद 8/6, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ हो जाएगा 8/6 ये हो गया। तो इसको यहाँ से एरोस दिखा देते हैं, और 6/6, तो 6/6 ऐसे अगर इसको काटते हैं तो 1 बार में कटेगा, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 1 आएगा, तो मतलब जहाँ 1 है वहीं पे 6/6 होगा, 6/6 यहीं पे होगा, ठीक है। इस तरह से इसको शो कर देना है, और इसके जो है यहाँ पे कौन बड़ा कौन छोटा, तो कौन बड़ा कौन छोटा, अब देखिए अब जहाँ पे हैं अगर उधर से आप राइट साइड की ओर जाते हैं तो बड़ा, और वहाँ से अगर लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं तो छोटा। तो यहाँ पे देखिए, और वैसे भी डिनोमिनेटर जो है अगर सेम है तो जो छोटा है वही छोटा और जो बड़ा है वो बड़ा, तो जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह को खुला रखते हैं, इसको ऐसे लगाना है बस। यहाँ पे 3/6 और ये 0, तो 3/6 कहाँ है, 3/6 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा यहाँ, तो 0, तो 3/6 बड़ा हुआ, 0 से इधर चलना पड़ रहा है, तो ये बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हुआ, इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लगा देंगे। उसके बाद 1/6 और 6/6, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, सेम का मतलब है कि जो बड़ा वही बड़ा, तो ये बड़ा है 6/6, तो इसको जो है इसको हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा वो बड़ा, तो 8/6 यही बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे इधर, बस ये आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एंड एप्रोप्राइट साइन। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, और जो बड़ा छोटा है उस हिसाब से ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, ए नंबर में जो है ये इक्वल डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है कि जो बड़ा है वही बड़ा और जो छोटा है वही छोटा, तो ये छोटा है, न्यूमरेटर के हिसाब से ही बड़ा छोटा वो पता चल जाता है, डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो, इसका मतलब ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे लगा देंगे, बड़ा का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ सेम है यहाँ पे सेम नहीं है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेना, देखिए यहाँ पे 1/7 है, तो क्या करना है इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, एक एरो लगा दिए, एक एरो यहाँ लगा दिए, 1/4, ठीक है। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4 हो गया, इसके सीधे में रखते हैं ये 4 1 4, और इसको 7 1 7, ठीक है ऐसे, तो जो नंबर बड़ा आया वही फ्रैक्शन बड़ा, तो ये बड़ा आया तो इसको हम ऐसे लगाते हैं, ये बड़ा मतलब यही बड़ा, तो हम इसको इधर लगा लेते हैं। सिंपल सा ये मेथड है, और जब बड़ा रहेगा 2-3 तो फ्रैक्शन, 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन रहेगा तो फिर दूसरा नियम उस पर लगेगा, तो उसको बाद में बतलाएंगे। और यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर है, इसका मतलब जो बड़ा वही बड़ा, तो ये बड़ा है तो इसको बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया, और इसमें जो है लास्ट में इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो हम इसको इस मेथड से बना सकते हैं, ये फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे 5 3 15 हो गया, इधर मान लेते 15 हो गया, और यहाँ 7 3 21, तो इधर 21 ज़्यादा आया, इसका मतलब है कि ये बड़ा हो गया, तो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3/5 ले लिए, और यहाँ पे इस तरह से कर दिए, और यहाँ 3/7, ठीक है ये रो, और यहाँ पे 7 3 21 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ, तो मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया।